हेलो स्टूडेंट, मैं तुलराज राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर देखो 41 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, लिखा है सममित संख्या देखो आयोटा की पावर 2n+1, फिर इनटू में लिखा देखो माइनस आयोटा की पावर 2n-1 का मापांक क्या है। जहां लिखा देखो n बिलोंग्स टू कैपिटल n है और आयोटा इक्वल टू कितना √-1 है। देखो ठीक है, इसका हमें देखो मापांक निकालना, ठीक है। और बता रखा है क्वेश्चन में कि जो हमारा स्मॉल n है, ठीक है, वो बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल n में। और कैपिटल n मतलब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। देखो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग देखो मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। माना जेड बराबर, देखो ठीक है, मान लेते हैं इसको जेड बराबर, देखो जेड बराबर क्या मानेंगे, देखो आयोटा की पावर यहाँ पे 2n+1 और इनटू माइनस आयोटा की पावर 2n-1। अब देखो लिखा था यहाँ पे n जो हमारी एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, कि n बराबर कितना देखो 1 रख देते हैं। n बराबर क्या रख देते हैं, 1, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के लिए शब्द, ठीक है। देखो तो सॉल्व कर लेते, देखो n बराबर 1 के लिए कितना होगा, तो आयोटा की पावर हो जाएगा देखो यहाँ पे, ठीक है, 1 रख दो, देखो ये 2+1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इंटू आ जाएगा, देखो माइनस आयोटा की पावर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 1 रखेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो जेड बराबर हो जाएगा देखो आयोटा की घात 3, ठीक है। तो ये होता है माइनस आयोटा और इंटू में देखो माइनस आयोटा ये आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते, ठीक है, दो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास जेड बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। तो आयोटा स्क्वायर का मान होता देखो -1 होता, ठीक है। अब इसका हमें देखो मापांक निकालना, ठीक है। तो मापांक के लिए जेड बराबर इसको -1 + iota 0 लिख दो, ठीक है। तो ये जाएगा मॉड जेड आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा, देखो इसका वर्क कर दो, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या होगा, -1 का वर्ग प्लस फिर इसका वर्क कर दो, ठीक है। तो 0 का वर्ग सॉल्व कटा दो कितना जाएगा, ये जाएगा 1+0, ठीक है, ये मॉड 1 आ जाएगा, टोटल कुल मिला के 1 आ गया। देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन देखो ट्रू है, देखो ठीक है, चेक कर लेते, देखो ठीक है कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है वी ऑप्शन सही है यहाँ पे हमारे, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो वी ऑप्शन सही है, देख लो, ठीक है, स्ट्रेस करना था। तो n का मान यहाँ पे 2 भी रखोगे तब भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, तब भी तुम्हारा एक ही आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे रख के देख लेना, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लो और सॉल्व कर लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, देख लो, ठीक है, स्ट्रेस करना था इसको। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 42, ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण देखो 4x² + 2x-1 = 0 के मूल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखो ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ठीक है सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो लिखा हमारे पास 4x² + 2x-1 = 0, तो ये हमारे पास समीकरण, ठीक है। तो अब देखो इसके मूल बता रखे, ठीक है, इसके जो मूल है हमारे पास, इसके जो मूल है वो अल्फा बीटा है, ठीक है, मूल जो है वो अल्फा और बीटा है। तो देखो ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो ठीक है, अब देखो इस समीकरण के अगर ये मूल है, ठीक है, तो अल्फा इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्या करेगा, अल्फा, अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, देखो ठीक है, अल्फा को यहाँ पे संतुष्ट करा देते, ठीक है, तो जगह 4α² एक्स के स्थान पर अल्फा रख दो, जगह 2α - 1 = 0 ये आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास इसको डाल दो समीकरण एक, ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, तो बीटा इसका देखो एक मूल है, ठीक है, तो बीटा भी इसको संतुष्ट करेगा, तो ये जगह 4β² और ये जगह 2β, ठीक है, -1 = 0 इसको डाल देते दो समीकरण। अब देखो हमें यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है, क्या लाना है यहाँ पे देखो,
हमें बीटा बराबर लाना, देखो ठीक है यहाँ पे बीटा बराबर, तो ऐसा करते देखो यहाँ से ये वाला दूसरा वाला समीकरण ले लो, ठीक है देखो इससे बीटा का देखो मान निकाल लेते, देखो बीटा का मान कितना होगा, तो टू बीटा बराबर आ जाएगा, देखो ठीक इसको और इसको पक्षांतर कर देते, ठीक है उधर उधर ले जाओ, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वन माइनस के फोर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से देखो हमारे पास ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। आप क्या करते देखो यहाँ पे लगा देते, देखो इसमें मूलों का योगफल लगा देते। अब देखो हमें बीटा स्क्वायर तो कहीं लाना नहीं है इसमें, ठीक है तो बीटा स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, देखो कैसे खत्म करेंगे, ठीक है हमने अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो कितना पड़ा था, मूलों का योगफल ठीक है माइनस के वी अपॉन में ए, सॉल्व कर लो देखो ठीक है कितना जाएगा माइनस के एक बटे दो आ जाए, देख लो ठीक है यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते देखो ठीक है, किसका मान निकाल लेते, देखो यहाँ से बीटा का मान निकाल लेते हैं, बीटा का मान कितना आ जाएगा इसको तो ले जाओ ठीक है, देखो माइनस अल्फा और माइनस एक बटे दो आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये वाला जो बीटा का मान उठा के यहाँ पे रख दो ठीक है, इसमें समीकरण देखो तीन से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण तीन से, देखो ठीक है समीकरण तीन में ठीक है, ये वाला मान उठा के यहाँ पे ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास टू बीटा बराबर आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा टू बीटा बराबर वन माइनस के फोर्टी। अब मान रख देते देखो यहाँ पे बीटा का मान रखो ये वाला ठीक है, ये वाला ये मान रख देते ठीक है माइनस अल्फा माइनस के एक बटे दो का होल स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करो देखो टू बीटा बराबर आ जाएगा वन माइनस के फोर। अब देखो यहाँ पे इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा हमारे पास टू अल्फा प्लस के वन अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर डालो देखो ठीक है, सॉल्व कर लेते देखो ठीक है, ये जाएगा टू बीटा बराबर आ जाएगा वन माइनस फोर इंटू, इसको देखो यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक कर दो ठीक है, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा फोर अल्फा स्क्वायर प्लस के वन प्लस के फोर अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास, और बटे में आ जाएगा हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा फोर्टी, ये इससे कैंसिल कर दो, टू बीटा आ जाएगा देखो वन माइनस के फोर अल्फा स्क्वायर फोर अल्फा स्क्वायर ठीक है माइनस के वन माइनस के फोर अल्फा ठीक है, ये इससे कैंसिल कर दो देखो ठीक है, कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे टू बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के फोर अल्फा स्क्वायर, और ये आ जाएगा देखो माइनस के फोर अल्फा आ जाएगा, देखो ये आ गया हमारे पास ठीक है। अब क्या करना देखो यहाँ पे टू से भाग कर देते ठीक है, टू से डिवाइड कर दो तो बीटा बराबर आ जाएगा माइनस के टू अल्फा स्क्वायर माइनस के टू अल्फा, देखो ठीक है चेक करते देखो ठीक कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, देखो ठीक है तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है देखो ठीक है, देख लो चेक कर लो ठीक है, यही आ रहा देखो, देख लो ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें ठीक है, देख लेना ठीक है सॉल्व कर लेना। अब आ जाओ ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 43 नंबर ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 5x स्क्वायर प्लस के 26x प्लस के बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान क्या करना है, देखो ठीक है ध्यान से देखना ठीक है, तो k का मान निकालना देखो ठीक है, तो 5x स्क्वायर समीकरण लिख लेते पहले 26x प्लस के बराबर देखो 0। अब देखो इसके जो मूल है ठीक है, देखो अगर एक अल्फा है तो दूसरा होगा वन अपॉन अल्फा, क्या रखा दो ठीक है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, लगा दो यहाँ पे ठीक है, तो मूलों का गुणनफल लगा देते दो ठीक, मूलों का गुणनफल ठीक है, दो मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है ठीक है, यहाँ पे तो लगा दो ठीक है, मूलों का गुणनफल यूज करेंगे दो ठीक है, तो यहाँ से के का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा बराबर अल्फा वन अपॉन अल्फा टी बराबर आ जाएगा, सी का मान दो के टी बटे में ए आ जाएगा ठीक है, ए का मान दो कितना है तो ठीक है, ए का मान हमारे पास पांच है यहाँ पे, ये इससे कैंसिल कर दो ठीक है, तो वन बराबर आ जाएगा के बटे पांच आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा हमारे पास पांच आ गया, देखो देखो ठीक है कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ठीक है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है तुम्हारा ठीक है, देखो चेक कर लो देखो ठीक है,
अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 44 नंबर, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो, 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता है ताकि किसी विशेष खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाता है। देखो ठीक है, ये कह रहा देखो ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की एक टीम चुनना, ठीक है, जिसमें एक विशेष खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाता है। तो देखो ठीक है, चयन के देखो हमारे पास चयन के तरीके, देखो ठीक है, चयन के जो हमारे तरीके होंगे, ठीक है, कितने होंगे देखो, देखो हमारे पास टोटल विद्यार्थी टोटल खिलाड़ी कितने हैं, देखो 8 हैं। अब 8 में से देखो ठीक है, अब कह रहा था कि एक विशेष खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, तो विशेष खिलाड़ी को यहाँ पे माइनस कर दो, 8 में से एक कम कर देते, ठीक है, और सी अब देखो चुनना कितना है, 5 खिलाड़ी चुनना, देखो यहाँ पे सी 5 लिखोगे, ऐसे लिखना, ठीक है, देखो 8 खिलाड़ी थे उसमें से एक खिलाड़ी हटा दो, तो दो हमने हटा दिया, कितने 7 बचेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो 7 में से मैं 5 की टीम चुनना था, तो ये जाएगा 7C5 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, देखो अब इसको अब सॉल्व करेंगे, देखो कितना जाएगा, ये जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखो घटा के लिखो, ठीक है, फैक्टोरियल में 7 में से 5 चलेंगे 2 और फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। अब सॉल्व कटा दो, ठीक है, 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 और बटे में, ठीक है, देखो 2 × ये फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, कैंसिल कर दो, ठीक है, देखो ये इससे हो जाएगा 3, ये जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा, ठीक है, देखो ठीक चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन तुम्हारा सही है, देखो देख लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 45, ठीक है, 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है 1 + 4x + 4x² ( 5 के प्रसार में मध्य पथ का गुणांक क्या है, मध्य पथ का गुणांक निकालना, ठीक है, देखो देखो सॉल्व कर लेते, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 + 4x + 4x² का होल पावर 5, अब देखो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, देखो ये होल स्क्वायर लिखा, देखो इसको ऐसे लिख सकते, देखो 2x का होल स्क्वायर और ये 2 × 2x लिख देते, ठीक है, +1 और होल पावर 5 लिख देते, ऐसे लिख दो, देखो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो ये तो होल स्क्वायर लिखा, देखो किसका, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 1 का स्क्वायर लिख देते, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, 2x + 1 की होल पावर कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो मध्य पद निकालना, ठीक है, देखो तो मध्य पद के लिए क्या करना है, पहले प्रसार में कुल पद ज्ञात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्रसार में कुल पद, ठीक है, देखो प्रसार में कुल पद, तो प्रसार में हमारे पास कुल पद देखो कितने होते हैं, जितने देखो यहाँ पे घाते होती, ठीक है, देखो तो उतने एक ज्यादा होता है यहाँ पे, तो टोटल पद होंगे हमारे पास 11 होंगे, और याद रखना ऐसा केवल दुपद में करना, ठीक है, जब यहाँ पे 2 होने चाहिए, ठीक है, 2 ही पद होने चाहिए तभी ऐसा करोगे, ठीक है, जितनी घाते होती है उससे एक ज्यादा पद होते हैं। अब ये तो हमारे पास देखो विषम है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो मध्य पद आ जाएगा हमारे पास, मध्य पद तो ठीक है, ये हमारे पास विषम है, ठीक है, लिख दो, ठीक है, विषम, तो मध्य पद आ जाएगा, देखो 11 + 1/2 वहां पद, ठीक है, देखो मध्य का वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, देखो यहाँ पे जब विषम होता है तो n + 1/2 वहां पद होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास छठवां पद आ जाएगा, ठीक है, देखो छठवां पद आएगा, देखो मध्य पद आप निकाल लेते, देखो T6 निकाल लेते, T6 कैसे निकालना, देखो यहां से निकाल लो, देखो तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे T6, ये जाएगा 10C1 कम करके लिखना, ठीक है, यहाँ पे तो ये जाएगा 5
5, ठीक है। पहला पद लिख लो, पहला पद कितना, देखो पहला पद है हमारे पास 2x, ठीक है, घातक घटा के लिखो, ठीक है, 10 में से 5 गई, कितना हो जाएगा 5 इंटू, ठीक है, और फिर आ जाओ देखो, ठीक है, फिर दूसरा पद देखो, दूसरा पद कितना है 1 है, ठीक है, तो 1 की घात क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख देते, ठीक है, जितनी घात ये होती है ये सीधी यहाँ पे लगा देते। अब इसको सॉल्व करा दो, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा t6 बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, दो फैक्टोरियल 10 वटे में आ जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा देखो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की घात 5 इंटू एक्स की घात 5, और इंटू में आ जाएगा देखो हमारे पास ये तो 1 ही आ जाएगा, सॉल्व कर लो देखो, ठीक है, t6 आ जाएगा हमारे पास देखो, ठीक है, फैक्टोरियल 10 का मान देखो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिख देते, ठीक है, ऐसे लिख देते, और फैक्टोरियल 1 का मान रख देते, ठीक है, 120 होता है फैक्टोरियल 5 का मान, और 1 फैक्टोरियल 5 ऐसे रखो, ये तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास देखो 32 और गुणा, ठीक है, ये जाएगा एक्स की घात 5 आ जाएगा, सॉल्व कर लो दो, ठीक है, ये तो 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, और ये इससे कैंसिल कर दो, ठीक है, कितना जाएगा 4 आ जाएगा, गुणा करो देखो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा देखो 36 गुणा, ठीक है, 36 गुणे और ये जाएगा 7 और गुणा आ जाएगा देखो 32 गुणे एक्स की घात 5। अब ये सब गुणा कर लो, ठीक है, देखो इसका सबका गुणा कर लो देखो, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, देखो गुणा कर लेते देखो इसका हम गुणा, देखो ठीक है, ये गुणा जब करोगे तो ये आएगा 8 0 6 4 और x की घात 5 आ जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है, इसका देखो चेक लो, ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, मध्य पथ का देखो गुणांक बताना, ठीक है, केवल देखो मध्य पथ का हमें गुणांक निकालना था, ठीक है, गुणांक मतलब ये वाला केवल, ठीक है, ये इतना लिखना था, ये लिखना केवल, ठीक है, गुणांक, ठीक है, तो गुणांक कितना है देखो, ये आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, देख लो, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था, देखो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखो सॉल्व करते, ठीक है, केवल गुणांक पूछा था, ठीक है, तो गुणांक लिखना, ठीक है, अब देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 46 नंबर, ठीक है, देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है देखो CN1, ठीक है, फिर लिखा है प्लस CN2 प्लस डॉट डॉट CNN किसके बराबर है, देखो ठीक है, ये पूछा देखो किसके बराबर, ठीक है, इसका देखो पहले लिख लेते इसको, ठीक है, इसको कैसे लिखना है, इसको मैसे लिखेंगे देखो CN1 प्लस फिर देखो CN2 प्लस, ठीक है, डॉट डॉट कर दो, लास्ट में लिखेंगे CNN, देखो इसको ऐसे लिखा जाता, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हम लोग NC1 प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे NC1 प्लस, फिर लिखेंगे देखो NC2, ठीक है, प्लस और NC3 डॉट डॉट, ये लास्ट में आ जाएगा देखो NCN आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसका मान देखो हम लोग पीछे पढ़ चुके वैसे, ठीक है, याद करो, ठीक है, एक क्वेश्चन पीछे आया था, ठीक है, इसका मान होता है वैसे याद करो, ठीक है, इसका मान होता है 2n-1 होता है इसका मान, ठीक है, यहाँ पे द्विपद प्रमेय के द्विपद गुणांकों का जो योगफल होता है, ठीक है, वो 2n होता है, ये फॉर्मूला होता है देखो, ठीक है, पूरा देखो हम बता देते, ठीक है, इसको देखो ये फॉर्मूला होता है NC0 प्लस NC1 और NC2 NC3 डॉट डॉट, ये होता है NCN, ये होता है 2n होता है टोटल, द्विपद प्रमेय में द्विपद गुणांकों का जो योगफल होता है वो 2n होता है। देखो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा था, देखो सॉरी यहां से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, इसका मान जो होता है इसका मान 1 होता है, इसको उधर ले जाना, ठीक है, तो पक्षांतर कर देना, तो ये आ जाएगा देखो, ठीक है, ये अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, हम देखो ये ऑप्शन देखो चेक करेंगे, ठीक है, देखो अब देखो किसका योगफल, देखो अभी चेक करो ऑप्शन में, ठीक है, देखो किसका योगफल इतना आता है, देखो ये आने चाहिए योगफल, अब देखो पहला वाला जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है, इसका अगर योगफल निकालेंगे, ये हमारे पास देखो जीपी है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी, तो यहां देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है,
टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, ठीक है देखो। तो ए ऑप्शन को देखो हम लोग चेक कर लेते देखो, ठीक है। ए जो ऑप्शन है ठीक, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा ए आर की पावर एन माइनस वन बटे में क्या हो जाएगा आर माइनस वन, ये होता है। तो यहां से देखो ए का मान कितना, देखो ए का मान हम लोग निकाल लेते देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। ए मतलब होता है पहला पद, ठीक है देखो। तो यहाँ पे मान रखेंगे देखो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पद ठीक है टू इंटू, ठीक है, ए का मान देखो दो है, ठीक है। देखो एन मतलब क्या होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी देखो एक दो तीन डॉट डॉट एन तक है, ठीक है। तो इसमें एन पद होगी टोटल, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू की पावर एन आ जाएगा और माइनस वन, ठीक है। बटे में देखो कितना जाएगा, नीचे में देखो आर का मान कितना, देखो आर कैसे निकालते हैं, ठीक है, याद रखोगे आर, आर जो होता है वो टी टू बटे टी वन होता है। टी टू मतलब देखो दो का स्क्वायर बटे में दो, ठीक है, सॉल्व कर लेना देखो कितना जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर चार दो ही आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या करना, ठीक है, आर का मान देखो दो आएगा, ठीक है, क्योंकि दो से गुणा हो रहा है, दो दो माइनस वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो टू, ये जाएगा टू की पावर एन माइनस वन बटे में कितना जाएगा, बटे में देखो एक आ जाएगा। देखो ये तो मैच नहीं करेगा, ठीक है, देखो ये तो अलग आ रहा, ठीक है, टू की पावर वन इंटू टू की पावर एन माइनस टू, ये तो देखो मैच नहीं करेगा, देखो इससे ये तो आ ही नहीं रहा, ठीक है देखो। तो पहला ऑप्शन तो ये कट होगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब देखो इसको देखो चेक कर लेते देखो, ठीक है, इसको देखो, इसको वैसे हम लोग चेक नहीं करेंगे, इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि दास देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो वन टू की पावर वन लिख सकते हैं, ये टू की पावर टू, ये टू की पावर थ्री और ये टू की पावर कितना है एन एन। और देखो ये मतलब देखो यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पद होंगे वो एन पद होंगे, कितने पद होंगे एन, और एक और इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये एन प्लस वन पद हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है एन प्लस वन है और मैं गाते कितनी देखो एन लाना है, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो, ठीक है, ये नहीं चेक करना है, अब आ जाओ, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे देखो इसको, ठीक है, ये वाला देखो ये वाला भी हट जाएगा, ठीक है, कैसे हट जाएगा देखो, ठीक है, यहाँ पे वन टू थ्री डॉट डॉट कितने पद है देखो एन माइनस वन पद है, इसमें जो पदों की जो संख्या है वो कितनी है एन माइनस वन है, ठीक है, और मैं देखो गाते कितनी लानी है टू की पावर एन लाना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। तुम्हें देखो सी ऑप्शन देखो वैसे सही है, ठीक है, सी ऑप्शन चेक करके दिखाते देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक का जो मान है देखो एक का मान कितना देखो एक का मान पहला पद है देखो वन, आर का मान हो जाएगा टी टू बटे टी वन होता है, ठीक है, टी टू मतलब देखो दूसरा पद, दूसरा पद है हमारे पास दो बटे वन, ठीक है, तो दो आ जाएगा। अब देखो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें पदों की संख्या देखो यहाँ पे देखो दो की घात एक, दो की घात दो, दो की घात तीन डॉट डॉट दो की घात एन माइनस वन, तो यहां से लेकर यहां तक जितने पद है वो एन माइनस वन है और फिर एक और पद ये, ठीक है, तो इसको और जोड़ देते कितने पद हो जाएंगे एन पद हो जाएंगे। तो पदों की संख्या जो हमारे पास कितनी है तो वो एन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे अब फॉर्मूला लगा देते देखो, ठीक है, इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते ए आर की पावर एन माइनस वन बटे में आ जाएगा हमारे पास आर माइनस वन, आर माइनस वन, ठीक है, देखो ये आ जाएगा ए का मान देखो कितना है, ए का मान हमारे पास वन इंटू डी, आर का मान कितना देखो टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास टू माइनस वन, सोल्व कर लो दो, ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये आएगा एस एन बराबर हो जाएगा टू की घात एन माइनस वन बटे में वन, ठीक है, तो ये आ गया देखो हमारे पास टू की पावर एन माइनस वन, देख लो, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है, देखो ये वाला देखो सही है। ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हुआ है, ठीक है, पीछे भी आ चुका था, इसका मान पूछा गया था हमसे, ठीक है, पीछे बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया हमने, ठीक है, ऑप्शन को देख लो, ठीक है, इस तरह से करना सॉल्व। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है वन प्लस एक्स की घात टू एन के प्रसार में प्रथम और अंतिम पदों के गुणांकों का योगफल क्या है जहां एन एक धन पूर्णांक है, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास जो प्रसार है देखो, ठीक है, देखो, ठीक है, प्रसार कितना है देखो वन प्लस एक्स की घात कितनी है देखो हमारे पास टू एन है हमारे पास, देखो वन प्लस एक्स की घात कितना है टू एन। अब देखो अगर इसका हम विस्तार करेंगे, ठीक है, अगर इसका हम विस्तार करते हैं तो क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो पढ़ा होगा वन प्लस एक्स की घात एन का जो विस्तार होता है एन सी जीरो एक्स की घात जीरो, ठीक है, फिर एन सी वन एक्स की घात वन, फिर एन सी टू एक्स की घात टू, ठीक है, डॉट डॉट ये होता है लास्ट में एन सी एन और एक्स की घात एन, ये देखो पढ़ा होगा, ठीक है, याद करो देखो,
दुपट फिर मैंने ये पढ़ा होगा, ठीक है, वन प्लस एक्स की घात एन का विस्तार ये होता है। ऐसे ये वाला देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते, देखो यहाँ पे विस्तार का फॉर्मूला लगाओ, ये आएगा हमारे पास तो ठीक है, पहला पद कितना होगा देखो, ये होगा टू एन सी जीरो एक्स की घात जीरो, ठीक है, फिर होगा टू एन सी वन एक्स की घात वन होगा, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे लास्ट में कर दो। अब लास्ट वाला पद लिख लो, ठीक है, देखो लास्ट वाला पद कितना होगा, टू एन सी टू एन होगा और एक्स की पावर टू एन होगा। अब वो हमसे क्या कह रहा था, तो वो प्रथम और अंतिम पद के गुणांकों का योगफल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम और अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद के गुणांकों का योगफल, अंतिम पद के गुणांकों का योगफल, देखो ठीक है, योगफल कितना होगा, देखो पहला पद का देखो ये गुणांक देखो, ठीक है, ये होता है हमारे पास 2nc0 प्लस अंतिम पद देखो ये हमारे पास, ठीक है, 2nc2n। अब देखो याद रखो, ठीक है, हमेशा याद रखोगे कि nc0 का मान भी एक होता है और ncn का मान भी कितना होता है, वन होता है, दोनों के मान देखो वन होते हैं, याद करो, ठीक है, याद रखो। यहाँ पे देखो ठीक है, हम लोग मान रख देते देखो, ठीक है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 2nc0 लिखा, ठीक है, तब भी इसका मान एक ही होगा, ठीक है, एक प्लस, और देखो यहाँ पे 2nc2n लिखा, ठीक है, यहाँ पे दोनों ये संख्याएं बराबर है तो इसका मान कितना होता है, एक होता है। चलो एक रख देते देखो, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास टोटल कितना गया, टू आ गया, देख लो, ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, देखो हमारे पास देखो यहाँ पे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, देखो टू वी ऑप्शन सही है, देखो चेक कर लो, देखो सी 47 का बी है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो लिखा है यदि किसी एपी का प्रथम पद दो है और पहले पांच पदों का योगफल, लिखा है देखो परावर्ती पांच पदों के योगफल के एक चौथाई के बराबर है, तो पहले 10 पदों का योगफल क्या होगा, देखो पूछ रहा हमसे पहले 10 पदों का योगफल कितना होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे, ठीक है, हमें दे क्या रखा, देखो यहाँ पे पता है, ए का मान देखो पता, ठीक है, ए का मान कितना देखो दो, ठीक है, प्रथम पद दो है, अब ना देखो दे रखा, ठीक है, देखो गिवन है कि हमारे पास देखो दिया है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि एस फाइव, ठीक है, प्रथम पांच पदों का योगफल, ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख लो वैसे, ठीक है, कैसे लिखना, देखो दिया है कि T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, डॉट डॉट T4 और T5, ठीक है, ऐसे लिख दो, सॉरी T5 बराबर है, देखो ठीक है, प्रथम पांच पदों का योगफल बराबर है किसके, एक चौथाई, ठीक है, अगले पांच देखो, ठीक है, परावर्ती मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अगले, तो मतलब T6 T7 और T8 और ये आ जाएगा हमारे पास T9 और T10 आ जाएगा, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे देखो इसको, ठीक है, ध्यान देखना, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, देखो ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो इसको वैसे हम लोग देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, ये हमारे पास एस फाइव है, ठीक है, कितना एस फाइव बराबर देखो ठीक है, एक बटे चार इंटू, ठीक है, अब देखो ये हमारे पास छह से लेकर दस पदों का योगफल है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो ठीक है, हम एक से लेकर पहले दस तक जोड़ देते हैं, एक से लेकर कहां तक, दस तक जोड़ देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस टेन बोलेंगे, एस टेन, ठीक है, एस टेन में से क्या घटा दें, देखो प्रथम पांच घटा दो, ठीक है, एस फाइव घटा देते, ऐसे घटा दो, देख लो ठीक है, ऐसे घटा देते हम लोग, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते देखो ठीक है, टोटल प्रथम दस पदों में से हम लोग प्रथम पांच पद घटा देते हैं तो ये वाले बचाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे देखो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक है, इसको दलाओ ठीक है, चार का गुणा कर देते, ठीक है, फोर ये जाएगा एस फाइव बराबर आ जाएगा हमारे पास एस टेन आ जाएगा माइनस के एस फाइव, इसको दलाओ ठीक है, ट्रांसफर के लाओ ठीक है, देखो
फोर एस फाइव प्लस के एस फाइव बराबर आ जाएगा, देखो एस टेन आ जाएगा। अब आ जाओ ठीक है, देखो इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लो कितना हो गया, पांच हो जाएगा ठीक है, पांच एस फाइव बराबर जाएगा एस टेन आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है इनको देखो मान रख देते, देखो ध्यान से देखना ठीक है, एस फाइव मतलब होता है देखो यहाँ पे रखेंगे हम लोग पांच बटे दो, ये जाएगा टू ए, टू ए प्लस और पांच माइनस के वन इंटू डी लिख देते ठीक है, यहाँ पे इधर आ जाओ एस टेन मतलब देखो टेन बटे दस बटे दो हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए प्लस दस माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो दो ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कैंसिल कर देते दो ठीक है, ये दो से दो कट जाएगा ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, देखो यहाँ पे दो आ जाएगा। अब देखो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास अंदर गुणा करो दो ठीक है, ये जाएगा दस ए प्लस ये जाएगा पांच गुणा ये आ जाएगा हमारे पास फोर डी आ जाएगा, इधर आ जाओ दो ठीक है, दो का गुणा करते हो देखो फोर ए प्लस ये आ जाएगा दो गुणा ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नौ डी आ जाएगा। सॉल्व करो दो ठीक है, ये आ जाएगा इसको तो ले आओ और इसको तो ले जाते, ये जगह हमारे पास देखो ठीक है दस ए माइनस के देखो ये कितना जगह, ये जगह हमारे पास फोर ए बराबर आ जाएगा हमारे पास दो, इसको आ जाएगा अठारह ठीक है, अठारह डी माइनस क्या जगह हमारे पास, ये जगह देखो इधर ले जाओ बीस डी हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास सिक्स ए बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के टू डी आ जाएगा। अब देखो ए का मान पता था दो था ठीक है, तो यहां से दो कैंसिल कर दो तो डी का मान पता चल गया, डी कितना है माइनस सिक्स है। अब फॉर्मूला लगा देते दो ठीक है, हमसे पूछा था इन्होंने एस टेन पूछा था, एस टेन बराबर कितना होगा, तो वो टेन बाई टू ये जाएगा हमारे पास टू ए प्लस और टेन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाना ठीक है यहाँ पे, तो मान रख देते दो ठीक है, सॉल्व करो दो कितना जाएगा एस टेन आ जाएगा हमारे पास पांच इंटू टी, दो पांच इंटू आ जाएगा मान रख दो यहाँ पे ठीक है, टू इंटू ए का मान दो था प्लस नौ इंटू डी का मान माइनस सिक्स, चलो दो ठीक है एस टेन आ जाएगा हमारे पास कितना होगा, देखो सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा पांच और ये जाएगा चार प्लस ठीक है, ये जाएंगे छनिम चौवन ठीक है, तो पांच गुणा ठीक है, ये अंदर कितना बचा, देखो ये बचेगा माइनस के पचास बचेगा, माइनस के पचास ठीक है, तो ये आ जाएगा एस टेन आ गया हमारे पास कितना गया, देखो माइनस के ढाई सौ आ जाएगा, माइनस के दो सौ पचास आ गया ठीक है हमारे पास। देख लो ठीक है, इस तरह से लगाना था इस क्वेश्चन को, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करोगे ठीक है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ठीक है, तो वी ऑप्शन सही है, तो वो हमारे हिसाब से ठीक है, तो वी ऑप्शन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ठीक है, सब लोग इसको देख लेना ठीक है, वैसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी लोग एनसीईआरटी जरूर लगाया करो ठीक है, एनडीए का पेपर देने के लिए एनसीईआरटी जो होती है सरकारी किताब ठीक है, उसको जरूर लगाओ ठीक है, पहले उसको पूरा तैयार कर लो, क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते थे, दस से पंद्रह क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी बुक से ही मैच कर जाते हैं बिल्कुल ठीक है, सेम क्वेश्चन लग देते ये लोग। अब आ जाओ ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो उनचास ठीक है, उनचास नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखो ठीक है निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते, देखो क्या लिखा है, पहला कथन यदि किसी जीपी के प्रत्येक पद को समान शून्योत्तर संख्या से गुणा किया जाती है तो परिणामी अनुक्रम भी जीपी होगा, बिल्कुल सही है ठीक है, ये मतलब एक गोत्र श्रेणी का गुण है ठीक है, तो इसे हमारे पास सपोज मान लो ठीक है, तो सपोज हम मान लेते कि हमारे पास एक जीपी है दो ऐसे चार आठ दस ठीक है, सॉरी यहाँ पे दस नहीं होगा ठीक है, यहाँ पे सोलह ठीक है, ऐसे डॉट डॉट कर लो, ये हमारे पास जीपी है, देखो अभी कह रहा देखो प्रत्येक पद को समान शून्योत्तर, शून्योत्तर मतलब जीरो से गुणा नहीं करना, जीरो को छोड़ के, जैसे मान लो इसमें फिर से हम दो से ही गुणा कर देते, मान लो ठीक है प्रत्येक पद में दो से गुणा कर देते चार आठ सोलह बत्तीस, फिर से देखो ठीक है ये भी हमारे पास जीपी है और ये भी हमारे पास जीपी है, पहला ऑप्शन तो सही है बिल्कुल ठीक है, ऐसे देखो फिर क्या लिखा है यदि किसी जीपी के प्रत्येक पद को समान शून्योत्तर संख्या से विभाजित कर दिया विभाजित किया जाए तो परिणामी अनुक्रम भी जीपी होता है, यह भी बिल्कुल सही है ठीक है, तो जैसे यही मान लो इसमें ठीक है मान लेते हैं इसमें हमने दो से भाग कर दिया
इससे भाग कर दिया, तो हमने दो से भाग कर दिया, इसमें दो से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक दो फिर आ जाएगा चार फिर आएगा आठ, ये डॉट डॉट चेक कर लो तो ठीक है, शून्य उत्तर ठीक है। याद रखना जीरो से भाग नहीं किया जाता, ठीक है, जीरो को छोड़कर जीरो से नहीं भाग करना है, देख लो ठीक है। ये भी हमारे पास जीपीए दो, तो दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है, देखो तो सी ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। चलो अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 50 नंबर, ठीक है, देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो एक दो तीन चार पांच अंकों का प्रयोग करके कितनी पांच अंकी आवास संख्याएं बनाई जा सकती है, देखो ठीक है यहाँ पे पांच अंक की आवास संख्या हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अंक लिख लेते देखो ठीक है, अंक कितने हमारे पास, तो ठीक है अंक कितने हमारे पास है, तो एक दो तीन चार पांच ये अंक है, ठीक है। अब देखो हमें आवास संख्या बनानी, ठीक है, तो आवास संख्या पढ़ेंगे तो आवास संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्या जो स्वयं से और एक से विभाज्य होती है, परंतु एक जो होती है वो आवास संख्या नहीं होती, आवास संख्या कहां से होती है, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह ठीक है ऐसे सत्रह उन्नीस ये हमारी आवास संख्या होती है, तो पांच अंकों की हमें आवास संख्या बनानी है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जो वन से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, तो देखो ठीक है अगर हम देखो अंकों का अगर हम योगफल करते देखो ध्यान से देखना, ठीक है, पहले हम देखो थोड़ा चेक कर लेते देखो अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का जो योगफल है ठीक है, योगफल कितना होगा, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच, चेक करो देखो कितना आएगा अंकों का योगफल, अंकों का योगफल हो जाएगा देखो ये नौ हो गया, ठीक है, नौ पांच, नौ पांच नौ पांच चौदह, ठीक है, देखो चौदह एक पंद्रह, ठीक है, टोटल पंद्रह हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो अंकों का जो योगफल है ये देखो पंद्रह आया, अगर तुम देखो यहाँ पे अगर हम पांच अंक की अगर कोई भी संख्या बनाएंगे देखो, ठीक है, यहाँ पे पांच अंक दो, ठीक है, पांच ऐसे बॉक्स बना लो देखो, ठीक है, पांच ऐसे बॉक्स बनाना, ठीक है, देखो यहाँ पे बताते देखो, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो हमने पहली संख्या मान लो ऐसी अंक भर दिए देखो, ठीक है, मान लो ऐसी अंक भर दिए हमने एक दो तीन चार पांच, तो ये जो संख्या बनेगी, ठीक है, ये संख्या देखो तीन से विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, तीन से, देखो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि देखो अंकों का जो योगफल है वो पंद्रह, ठीक है, अंकों का योगफल अगर तीन से विभाज होता है, ठीक है, अंकों का योगफल किससे, तीन से विभाज होता है, तो फिर हमारी जो संख्या होती है वो तीन से कैसी होती है, विभाज होती है, तो यहां पर देखो, ठीक है, अब जितनी भी संख्याएं बनेंगी देखो, ठीक है, पांच अंक की जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो सभी अंकियां वो सभी संख्याएं तीन से विभाज होंगी, अगर संख्या देखो तीन से विभाज जाती तो वो आवास संख्या नहीं होगी, तो यहां पर लिख देना, ठीक है, क्या लिखोगे, दिए गए अंकों से, दिए गए अंकों से, दिए गए अंकों से, ठीक है, बनने वाली जो संख्याएं होंगी, ठीक है, बनने वाली जो संख्याएं होंगी, बनने वाली संख्याएं तीन से विभाज्य है, तीन से विभाज्य है, अतः आवास संख्याएं देखो कितनी हो जाएंगी, अतः आवास संख्याएं जो होंगी हमारे पास शून्य होंगी, आवास संख्या है, अतः हमारे पास आवास संख्या, ठीक है, हमारे पास आवास संख्या जो होंगी वो कितनी होंगी, जीरो होंगी, ठीक है, एक भी आवास संख्या नहीं मिलेगी मुझे, देख लो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है देखो, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है देखो, देख लो, ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतने रखते, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास, ठीक है।